अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान हेल्थ केयर दीपालपुर चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ धुएँ वाली क्रीम। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी, लोगों की बहुत सारे तला देखे हैं, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन हकीकत पे कोई भी चीज़ आपको नहीं दे रहा। लोग मुश्त नहीं करते हैं, हाथ रसी करते हैं, लोग उनका निजियाज फ़ायदा उठाते हैं। एक बंदे के पास चले गए, उन्होंने सरसों का तेल लिया, उन्होंने आपको बंद करके दे दिया, ले जाए जनाब, आपसे पैसे ले लिए, 5,000, 3,000, 4,000, 2,000, जितने भी लेने ले लिए आपसे पैसे। बंदा खुश हो जाता है कि यार शायद ये नामवर हकीम है। उसमें 1% भी जान नहीं होती, उसमें उस चीज़ में 1% भी जान नहीं होती। मैं आपके सामने लेके आया हूँ धुएँ वाली क्रीम, और इस क्रीम का आउट क्लास रिजल्ट है। देखें, धुआँ क्यों निकलता है? एक चीज़ को आप मेहनत से बनाते हो, मेहनत करते हो उस पर, जब ये आपके जब आप नफ्स पे लगाएंगे तो धुआँ भी निकलेगा इसका, या लैड भी बलेगी। ये वो चीज़ होगी जो आपके पट्टों को खोलेगी, नफ्स के पट्टों को खोलेगी, मजबूत करेगी, लंबाई मोटाई के लिए है। वो जो लोग चीज़ें दे रहे हैं आपको, टोपी ड्रामा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आपके साथ, वो ज्यादती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये है धुएँ वाली क्रीम। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये आपने देखना ज़रूर है, ये आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये देखें। ये आपने लगानी कैसे है? कैप छोड़ देनी है, पेशावर नाली छोड़ देनी है, आस्ता आस्ता मालिश करनी है। ये असल चीज़ मेरे भाई, कोई असल चीज़ बनाएगा तो रिजल्ट मिलेगा ना। ये देखें, अब आपको सेम नज़र आया, इसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा, ये लगाने से धुआं निकल रहा। उसमें मेहनतें होती हैं, टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी बन जाती हैं। अब जितने हकीमों की देखते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, अब मेरे अलावा या भाई नूर के अलावा आपको कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आएगी कि धुएँ वाली क्रीम आपको दिखा जाए, क्योंकि उनमें कोई रिजल्ट ही नहीं है। ये देखें, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, लगाने से धुआं निकलेगा। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ ना, लाइट ऑफ कर दूँ तो इसमें से आपको लाइट नज़र आएगी। ये होती है असल चीज़ जो आपके नफ्स को लंबा, मोटा और टैट करने के लिए है। ये देख रहे हैं आप, जो लोग बहुत सारी मुश्किलें कर चुके हैं और बहुत परेशान हैं, कहते हैं हमारा कोई इलाज नहीं है, मेरे कहने पे सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करें और वाकई कहेंगे कि दुनिया पे हिकमत है, सारे लोग एक जैसे नहीं। अब तो यकीन करें कि हिकमत एक ऐसा लफ्ज़ बदनाम हो चुका है, हकीम कहते हुए शर्म आती लोगों को। जब डॉक्टर साहब बैठे हो ना, बंदा बैठा हो, बंदे को तारफ़ कराते हुए शर्म आती है कि मैं हकीम हूँ, इतना नाम डोब चुके हैं हकीम मसरा हमारा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो हमें याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।